सो हेलो दोस्तों, कैम छो भाई लोग, मजा माने। तो आज मेरे पास काफी सारी अपडेट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए भाई लोग, पहले अपडेट के बारे में बात करने वाले यहाँ पे द यूकी जूरी सेवन राइडर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल वो व्लॉग बनाने के लिए यहाँ पे कई होटल के अंदर रुके थे। तो यहाँ पे उनका जो दीदी है ना, तो वो मतलब कि मैनेजर को मनाने के लिए गए थे। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्यों, तो यहाँ पे जो कहीं पर भी वो जाते हैं ना, तो पब्लिक उनके साथ रहती है। क्योंकि वो उनके साथ पिक्चर वगैरह मतलब कि या तो सेल्फी लेने के लिए सब कुछ यहाँ पे उनको परेशान वगैरह करते रहते हैं। तो यहाँ पे होटल के अंदर ऐसे रुके थे, तो यहाँ पे काफी सारी भीड़ आ जाती है। एंड यहाँ पे पब्लिक को मना भी करती है, एंड मैनेजर को जो कि उनकी दीदी बोलती है, बट यहाँ पे वो फिर भी नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको उनकी छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। तो आज इस ब्लॉग की शुरुआत में क्या हुआ, सुबह से ना इतने सारे लोग हमारे रूम में आ रहे थे विदाउट नॉक करे, भाई कार्ड की लगाया और एंटर कर गए। और फिर ऐसा था ना, रूम में बहुत सी लड़कियां भी थी, तो हमने होटल वाले मैनेजर को बोला कि भाई किसी को मत भेजो। तो वो दीदी पे चिल्लाने लग गया कि भाई आप कैसे बोल रहे हो, आपने 10 बारी फोन कर करके बोल दिया मैं खाना नहीं भिजवा रहा रूम में। फिर आपको पता है इस बाबू ये गैंग वाले बहुत ओपी हैं, तो दीक्षा दी नीचे गई, उसे बहुत प्यार से समझाया कि भाई आप ऐसे बात नहीं कर सकते ना अपने कस्टमर से, पर गाइस जो शॉर्ट हो गया इतना बड़ा मैटर नहीं। चलिए भाई लोग, अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे एलविस यादव एंड द यूके 07 राइडर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एलविस यादव द यूके 07 राइडर को यहाँ पे चैलेंज देते, तो चैलेंज क्या देते हैं तो आप खुद ही सुन लीजिए। फोन आया यूके राइडर 07 का, कहता कि भाई आप मेरी नगरी में आ रहे हो। मैंने कि कौन सी नगरी में आ रहे हो, कह रहा देहरादून। मैंने कि यूके 07 देहरादून का होता है का? तो भाई मेरा ओपन चैलेंज है यूके 07 का कि हम उसकी नगरी में आएंगे भाई के किसी करके जा चला जाए जाओ कैसे ऐसे। अगर ये चीज करके दिखा देना लक्ष्य के साथ आगे भाई मेरा नाम बदल देना भाई, ठीक है भाई। यूके यूके 07 दिल से प्यार है भाई तुम्हारा, बट चैलेंज फॉर यू प्लीज। क्या बोलूं, यहाँ पे बहुत भयंकर वाला मतलब कि चैलेंज दे दिया है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए भाई लोग, अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले यहाँ पे फिजिक वाला के ऊपर। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फिजिक वाला के ऊपर एक मूवी बन रही है, तो जिसका उनका ट्रेलर भी आ चुका है। तो यहाँ पे उन पर थोड़ा एक्सपोज भी किया है एंड थोड़ा उनका वो भी बोला है। तो मैं आपको उनकी छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, पहले देखिए। तो अमेज़न वाली सीरीज देखी सर, मैं बता रहा था उसी के बारे में कि अच्छा लगता है ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म, आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एक वेब सीरीज आपके ऊपर बनाता है भारत के टीचर के ऊपर। देखो है तो बड़ी चीज तो लगती है सुनने में, देखी नहीं, देखी नहीं, पहला एपिसोड देखा। कुछ कुछ है देखो मेरी लाइफ से, कुछ कुछ नहीं भी है, कुछ कुछ सीन्स बाहर आए हमने देखे अभी, तो कुछ कुछ है बेसिक मतलब स्टोरी यही है, बट काफी डिफरेंट है कैरेक्टर नेम वेम कुछ चीजें, बॉलीवुड वॉलीवुड जो होता है ना वैसा उस टाइप का किया गया है। पूरी रियल स्टोरी नहीं है, काफी कुछ रियल नहीं है, काफी कुछ है काफी कुछ नहीं है। वो मूवी में बोलते हैं ना फिक्शन डाल देते हैं, मसाला वसाला डाल देते हैं, थोड़ा वैसा किया है। बेसिक स्टोरी तो वही है जीवन की जो गाथा है, सच्ची स्टोरी तो हम तो कितनी बार तुम लोगों को सुना ही चुके हैं यार, असली स्टोरी अपनी स्टोरी लिखो यार, मेरी स्टोरी देख के भाई इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए भाई लोग, अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले यहाँ पे सलमान खान एंड अक्षय कुमार के बारे में। जैसे कि यहाँ पे एक शो के अंदर अक्षय कुमार कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका कोई बहन का या तो कोई मैसेज आता है ना, तो काफी ज्यादा मतलब कि वो इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे सलमान खान लिखते हो कि गॉड ब्लेस यू एंड ऐसे मतलब कि कमेंट किया है, बट यहाँ पे अक्षय कुमार लिखते हैं कि यहाँ पे रियली टच्ड बाई योर मैसेज एंड आप उनको भी बोल दिए सेम टू यू एंड गॉड ब्लेस यू। तो भाई क्या बोलूं, यहाँ पर मतलब कि एक्टरों के बीच भी इतना मतलब कि प्यार भरा रहता है भाई। आप इस बारे में भी क्या कहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए भाई लोग, अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे चाइनीज यूट्यूबर के बारे में, जिसका नाम है यहाँ पे फैटी गोस्ट टू अफ्रीका। एंड यहाँ पे 5 मिलियन से भी प्लस यहाँ पे फॉलोवर थे, जिसके अंदर यहाँ पे मैं आपको बता दूं वो मतलब कि ऐसे लाइव के अंदर यहाँ पे कोई बंदा होता है जैसे कि यहाँ पे उनको चाकू मार के मार देता है, बट यहाँ पे मैं आपको उनके साथ जो दोस्त था ना उनको थोड़ी मोड़ी चोट आई है, जिसको यहाँ पे वो तो बच गए, बट यहाँ पे जो चैनल के जो ओनर है वो नहीं बच पाए, जो कि लाइव के अंदर सब कुछ बताया है। एंड यहाँ पे जो फोटो देख रहे हैं ना, उसने यहाँ पे उनको मारा है, जैसे कि यहाँ पे उनको जेल भी दे गई है। एंड यहाँ पे उनकी भी यूट्यूब चैनल थी जैसे कि जियांग यूंग करके एंड 37 ईयर के थे। एंड यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे जो कुछ हुआ है मतलब कि पैसों के कारण हुआ है। भाई आप इस बारे में क्या कहते हो भाई, एंड यहाँ पर लोग ऐसे चाकू वगैरह मारना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यहाँ पर ये बहुत गलत हुआ है जो कि उनके साथ, जैसे कि पैसों के मामले में इतने एक दूसरे को मार नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत गलत है भाई, मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता ना भाई, क्या बोलूँ यार। तो चलिए भाई लोग, आज की वीडियो यही तरह रखेंगे। एंड यहाँ पर वीडियो के अंदर आपको छोटा सा भी पार्ट आपको अच्छा लगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यहाँ पर लोग ऐसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।